नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मनुष्य है, पति हो या पत्नी हो या भाई हो या बहन हो, जो रुष्ट होकर के नाराज होकर के आपसे घर से चले गए हैं और अभी कहीं जाकर रह रहे हैं? उसका पता आपको है कि वह कहाँ रहे, लेकिन आ नहीं रहे आपको बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? ऐसे बुलाने से भी आ नहीं रहे हैं तो कोई तरीका होगा जिससे आएंगे वो। आपने लाख कोशिशें कर ली, मिन्नतें कर ली, भाई नहीं रहे, पत्नी हो तो पत्नी नहीं आ रही है, भाई हो तो भाई नहीं आ रहा है, बहन हो तो बहन नहीं आ रही, कोई नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या करना पड़ता है? एक छोटा सा उपाय आज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ही समय लूंगा आज, आपका ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़े से समय में। अगर कोई घर छोड़ के चला गया है, चाहे वो विदेश चला गया हो या फिर कहीं और चला गया हो, आज मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे खुद पर हंसता हुआ सा खिंचा चला आएगा और इसमें उसके कपड़े की और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। ये उपाय आपको ही करना है और ये लगातार करना है, जब तक वो वापस नहीं आए ना तब तक करना है आपको। क्या है आपको, मैं आज एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक दीपक जलाना है आपको अपने भगवान के आगे। उस दीपक की एक खासियत होगी कि उसमें रुई नहीं लगेगी, ध्यान रखना। उस दीपक में आपको कलावे की बात ही करनी है, इस बात का ख्याल रखें। कलावा होता है ना, जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, मौली कलावा शुद्ध होता है, वो रुई से ज्यादा कारगर होता है। तो इस काम में जो उपयोग करना हो तो उसी चीज का करना है। और जिस भगवान को आप मानते हो, गणेश जी को, शिव जी को, नारायण को, लक्ष्मी जी को, किसी को भी, उनके सामने ही आपको ये दीपक करना है। लेकिन ये दीपक स्पेशल करना है। ये दीपक स्पेशल का मतलब है कि ये दीपक अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय होने से पहले, ये अलग दीपक होगा आपके रोजमर्रा के दीपक से, है ना। तो ये टोटका आपको मंगलवार या रविवार से शुरू करना है, कोई भी दिन हो, फिर आगे आप करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और शुरुआत आपकी मंगलवार या रविवार से ही होगी और ये कंटिन्यू करते रहिए आप 11 दिन 21 दिन। कोई खास इसमें खर्चा है नहीं, ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है। इसमें करना क्या है आपको, इसमें तीन चीज़ें लेनी है। तीन चीज़ें क्या? एक ऐसी चीज़ है जो नवचरों को खिलाई जाती है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खिलाई जाती है। तो उनके लिए कोई चुग्गा बनता है ना, चुग्गा, जैसे बाजरे का कोई चुग्गा हो, मतलब उनको कुछ डालते हैं खाने के लिए। आपको पता हो तो गेहूं के दाने डालते हैं, बाजरे के दाने डालते हैं, कोई भी चीज़ के जो दाने डालते हैं ना, वो दाने लेने हैं आपको। चाहे कोई भी लो, बाजरे, ज्वार, मकई, गेहूं, कोई भी लो, कोई भी एक 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 कटोरी भर के वो ले लीजिए। एक कटोरी भर के आपको वो चीज़ लेनी है जो आप मछलियों को डालते हो, तो एक कटोरी भर के आप आटे की गोलियां बना करके, या फिर सूजी जो मछलियों को हम देते हैं वो, या फिर मछलियों का जो दाना आता है वो ले लीजिए। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपको लेनी है जो थलचरों को खिलाए जाते हैं, जैसे कुत्ता है, इनको खिलाए जाते हैं ना, गायों को, कुत्तों को। तो इसके लिए आपको आटा लेना पड़ेगा। जो आटा आप खाते हो रोजमर्रा में, बाजरा खाते हो तो बाजरे का, गेहूं का खाते हो तो गेहूं का, मक्का खाते हो तो मक्का, कोई भी आटा एक कटोरी ले लीजिए। तीन कटोरियां आपको लेनी है और तीन कटोरियां लेकर के फिर परमात्मा से प्रार्थना करनी है। परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, हमारा ये आदमी, हम इससे प्रेम करते हैं और ये कहीं सेट भी नहीं है, मतलब कहीं स्थापित भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि स्थापित हो कहीं पहले से, और अच्छा वर्चस्व हो तो आप मत बुलाइए, उसको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्थापित नहीं हो तो फिर आप इस प्रयोग को कीजिए। इस प्रयोग को करने के लिए आप परमात्मा के सामने बैठिए, परमात्मा के सामने तीनों कटोरियाँ रखिए। और अब आपको क्या है, 11 मिनट तक लगातार आंखें बंद करके उस आदमी का स्मरण करते हुए परमात्मा के मंत्र का जाप करना है। मंत्र कोई भी हो आपका चलेगा। ओम नमः शिवाय हो, ओम चंडिके हो, ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाय विच हो, सूर्य भगवान का हो, गायत्री माता जी का हो, कोई भी मंत्र हो, जो भी मंत्र आप जानते हो, उस मंत्र का 11 मिनट आंखें बंद करके जाप करना। उस आदमी की छवि को ध्यान में रख करके जाप करना है। वो ध्यान में आपके उतर जाना चाहिए, मतलब आपकी आंखें बंद हो और अब कल्पना कल्पना में आपको उसको देखते रहना है, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रखना है और मंत्र आपको बोलते जाना है। दोनों काम कंटिन्यू करना है। दोनों काम कंटिन्यू करोगे तो कुछ दिनों में ऐसा होगा कि एक चीज है आपके यहाँ से एक वाइब्रेशन उठेगी, एक तरंग उठेगी, और वो तरंग क्या करेगी, वो तरंग क्या, ये सब साइकोलॉजी है, वैज्ञानिक काम है, ऐसा कुछ नहीं, कोई अंधविश्वास हो, ये सब काम वैज्ञानिक है। तो ऐसी एक तरंग उठेगी, वो तरंग क्या करेगी,
उस व्यक्ति को जिसे बुलाना है, चाहे वो दूर देश कहीं भी हो, उसके दिल में आपके प्रति हलचल पैदा कर देगी और वो दौड़ा खींचा चला आएगा। जाप 11 मिनट करने के बाद में 3 कटोरियां, तीनों का क्या उपयोग करना ये तो आप समझ ही गए होंगे। 1 कटोरी है वो नक्षत्रों को उछालनी है, स्काई में जो पक्षी उड़ते हैं ना उन पक्षियों को आप उस कटोरी में जो दाने पड़े वो दाने चुगने के लिए दे दो। 1 कटोरी है थलचरों के लिए, उस 1 कटोरी का आपको रोटी बना करके कुत्तों को खिलानी है, गायों को खिलानी है, कोई भी मिले उसको खिला देनी है। और 3री कटोरी है उसमें वो जल में रहने वाले प्राणियों के लिए, तो मछलियों को वो ले जा करके डाल दीजिए। चाहे तो आप आटे की गोलियां बना करके भी ले सकते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां बना करके भी दे सकते हैं, तो वो 3री कटोरी में जो रहेगा वो मछलियों के लिए रहेगा। ये तीनों चीजें रहेगी। इसमें एक चीज और है कि ये जब कोई ये जो काम आप करने जाओ ना, तब एक बात का ध्यान रखना कि कोई भिखारी मिले ना तो उसको रुपया 2 रुपया को चिल्लर अपने पास रखना, वो देकर आना। क्योंकि भिखारी को चिल्लर देकर जब आप आओगे ना तो आपका काम फटाफट होगा और आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगी। भिखारी की भिखारी को डोनेशन करने दान करने में ये फल होता है कि जब आप भिखारी को देख करके जाते हो तो आपकी सारी नेगेटिविटी ना वो भिखारी के पास चली जाती है, और सारी नेगेटिविटी भिखारी के पास चले जाने से आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है। तो उससे क्या है, आप जो भी पाठ पूजा आराधना नित्य ध्यान वगैरह कुछ करते हैं ना, तो उसका कई गुना असर होता है और उसका असर बढ़ जाता है। तो आप ऐसा कीजिए, कुछ दिनों में आपका चहेता आपके पास खींचा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा, हंसते हुए गाते हुए आराम से तबीयत से आपके पास चला आएगा। आप आराम से अपना ग्रस्त जीवन जिए, उसके साथ मजे से रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा मित्रों।